अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आज की वीडियो में हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ही सीखेंगे सो so, सबसे पहले देखते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की मीनिंग क्या है ये क्या चीज़ होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ही रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड भी कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंट एंड कैपिटल इम्प्लॉयड ऑफ ए बिजनेस ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या जिसे आर शॉर्ट में कहते हैं ये प्रॉफिट और बिजनेस के कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच रिलेशनशिप को बताता है यानी ये एक रेशियो होता है जो प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच निकाला जाता है यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब उस प्रॉफिट से है जो इंटरेस्ट टैक्स या और डिविडेंड देने के पहले निकाला जाता है अगर हम लोग सिर्फ प्रॉफिट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट टैक्स के बाद बचता है लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग प्रॉफिट उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करते हैं जो इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड देने के पहले आता है आगे क्या कहा गया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयट एसेस दी ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ये बिज़नेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में कैलकुलेट करता है यानी अगर किसी भी बिज़नेस की आपको प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है तो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के कई सारे रेशियो और भी होते हैं लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है इसका इस्तेमाल बहुत होता है वो होता है आर क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस बिज़नेस की पता चल जाती है तो इसीलिए लिए आर को ही प्रॉफिटेबिलिटी का एक मेन इंडिकेटर माना जाता है इट मेज़र्स हाउ इफिशेंटली द रिसोर्स ऑफ द बिज़नेस आर यूज इस रेशियो से ये पता चलता है कि बिज़नेस के रिसोर्सेस का इस्तेमाल कितनी इफ़िशेंटली किया जा रहा है इफ़िशेंटली का मतलब क्या होता है इफ़िशियंटली का मतलब ये होता है कि रिसोर्स को मिनिमम वेस्टेज के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है यानी रिसोर्स का आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो आउटपुट आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और उस रिसोर्स को आप बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वेस्टेज कम से कम हो रहा है तो इफिशियंटली का मतलब यही होता है कि मिनिमम वेस्टेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लायड इज ए फेयर मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ये देखिए इट इज ए फेयर मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी को पता करने का ये एक बहुत अच्छा पैमाना है ये एक बहुत अच्छा टूल है क्योंकि ये फेयर है ऑफ एनी कंसर्न एंड इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ वन बिजनेस कंसर्न विद द अदर कंट ये चूँकि बहुत अच्छा टूल होता है एक बहुत अच्छा मेजरमेंट है एक बहुत अच्छा पैमाना है इसलिए इसका इस्तेमाल किसी एक बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने और साथ ही साथ उसकी प्रॉफिटिबिलिटी को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करने के लिए भी किया जा सकता है तो इस ROI की मदद से आप एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी दूसरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड एंटरप्राइज शुड हैव ए सैटिस्फैक्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक बिजनेस इंटरप्राइज का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए अब सेटिस्फैक्ट्री रेशियो होने का क्या मतलब होता है देखिए आगे लिखा है कि टू एसेस वेदर द रेशियो इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट इट शुड बी कंपेयर्ड विध इट्स ओन रेशियोज ऑफ द पास्ट ईयर्स सेटिस्फैक्ट्री रेशियो होने का मतलब ये होता है कि खुद बिजनेस अपने रेशियो को यानी अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को पिछले साल के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से कंपेयर करे अगर पिछले साल के खुद के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से ज़्यादा आ रहा है इस बार का फिगर आर ओ का तो इसका मतलब के बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है यानी ग्रो कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में दूसरा तरीका हो सकता है कि Comparing विद द रेशियोज़ ऑफ द सिमिलर इंटरप्राइज दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने बिजनेस का कार्रवाई दूसरे बिजनेस के कार्रवाई से कंपेयर करिए तो अगर दूसरे बिजनेस के कार्रवाई से आपका कार्रवाई ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आप दूसरे बिजनेस से ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन में हैं तीसरा ये हो सकता है कि और विद द रेशियो ऑफ़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तीसरा ये कि अगर इंडस्ट्री में कोई स्टैंडर्ड सेट किया गया है तो आप उससे कंपेयर कर लीजिए मान लीजिए एक इंडस्ट्री में सेट किया गया है कि टेन परसेंट टेन परसेंट स्टैंडर्ड आर है अगर टेन परसेंट आपका आर आ रहा है तो आप अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन में है अगर उससे कम आ रहा है तो कम आपकी पोजिशन अच्छी नहीं है तो अगर कोई इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का कोई स्टैंडर्ड सेट है तो आप अपने रेशियो को उस स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हैं तो तीन तरह का कम्पेरिजन हो गया जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है एक कंपेरिज़न खुद के आप रेशियो से करें दूसरा आप दूसरी इंटरप्राइज से करें तीसरा आप इंडस्ट्री के नाम से करें अब देखते हैं हम लोग फार्मूला की क्या फार्मूला यूज़ किया जा सकता है ये फार्मूला उसी पर बेस्ड है जो हमने आपको मीनिंग में बताया मीनिंग में मैंने बताया था कि ये एक रिलेशनशिप है जो प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच होता है और प्रॉफिट मैंने बताया था आपको वो प्रॉफिट कौन सा होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड तो ये तीनों चीज को घटाने के पहले जो आएगा प्रॉफिट उसको हमें लेना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड और इस प्रॉफिट को आपको किससे कंपेयर करना है कैपिटल इंपैक्ट से करना कर, करना है आपको कंपेयर अब यहां पर सवाल यह है कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ना दिया हो तो उसको कैसे निकालेंगे मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अच्छा एक बात आपको मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड दिया हुआ है इसका सीरियल ऑर्डर होता है पहले आप इंटरेस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब कि प्रॉफिट निकालने के पहले इंटरेस्ट माइनस किया जाता है उसके बाद जो आता है उसमें से टैक्स माइनस किया जाता है और उसके बाद जो बचता है उसमें से डिविडेंड माइनस किया जा सकता है तीन चीज़ें जो लिखी गई हैं इसी ऑर्डर में होती हैं इसका ऑर्डर अगर आप उल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसी ऑर्डर में ये चीजें डिडक्ट की जाती है घटाई जाती है प्रॉफिट निकालने के लिए या प्रॉफिट निकालने के बाद समझ में आ गई बात तो यहां पर ये चीजें आप समझ लीजिए कि ये इसी ऑर्डर में होती है अब अगर आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर लिखा हुआ है देखिए आफ्टर तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उल्टा चलना पड़ेगा यानी जो चीज सबसे लास्ट में घटाई गई होगी उसको सबसे पहले आप ऐड कर देंगे उल्टा चलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ घटा चुके हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे डिविडेंड को ऐड करेंगे इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट दूसरा आप क्या ऐड करेंगे टैक्स ऐड करेंगे इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ सेकेंड और तीसरे सबसे आखिर में क्या आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट तो जब आप ये तीनों चीज़ें बारी बारी से ऐड कर देंगे पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा नेट प्रॉफ़िट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड और यही प्रॉफिट आपको इस फार्मूले में यूज़ करना है अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये कैपिटल इंप्लाइड क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है लेकिन अभी इसके पहले हम लोग एक चीज़ ये देख लें कि अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है डिविडेंड नहीं दिया हुआ है डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब कि डिविडेंड की कोई बात नहीं है तो फिर आप डिविडेंड को इग्नोर कर देंगे सीधा सीधा आप फार्मूले में बस नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले लेंगे ठीक है अगर डिविडेंड नहीं दिया हो तो जैसे मान लीजिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में तो सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स के बाद प्रॉफिट दिया हुआ है तो सिर्फ इंटरेस्ट एंड टैक्स दो जोड़ दिया जाएगा और वे जोड़ने में क्या करेंगे आप पहले टैक्स जोड़ेंगे फिर इंटरेस्ट जोड़ेंगे पहले टैक्स जोड़ा जाएगा जितना टैक्स आपने घटाया होगा उतना टैक्स आप ऐड कर देंगे उसके बाद जो आएगा उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे इसको आप ध्यान रखें कि इसको जो सीरियल ऑर्डर है वो इसी में होना चाहिए अगर आप इसको पहले इंटरेस्ट और बाद में टैक्स ऐड करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि जिस ऑर्डर में आपने माइनस किया है उसके रिवर्स ऑर्डर में आपको प्लस करना पड़ेगा तब जाके वो सही पहुंच पाएंगे आप तो इस तरीके से अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ डिविडेंड नहीं दिया हुआ है तो डिविडेंड को आप छोड़िए जो है सिर्फ उसी को आप ऐड कर दीजिए टैक्स ऐड करिए और इंटरेस्ट ऐड करिए तो आपके सामने ये आ जाएगा अब देखते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको निकालने का दो अप्रोच होता है टू अप्रोचेज आर दे एक है लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एक होता है एसेट साइड अप्रोच दोनों अप्रोच में हम आपको बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है कैपिटल इम्प्लॉयड आप कोई भी अप्रोच ले सकते हैं डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कौन सी अवेलेबल है तो अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच आप ले रहे हैं तो उसके लिए आपके सामने दो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए लाइबिलिटी साइड अप्रोच के लिए कैपिटल इम्प्लॉयड निकालना हो तो फार्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को आपको जोड़ना होगा तो कैपिटल इम्प्लॉयड आ जाएगा अब सवाल यह है कि शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है मैंने ये भी बता दिया है आपको शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स प्लस सरप्लस शेयर कैपिटल में सारे रिजर्व्स को जोड़ देंगे और सरप्लस को भी जोड़ देंगे सरप्लस का मतलब प्रॉफिट जो प्रॉफिट आपने कमाया है अगर आपने लॉस किया होगा बिजनेस में अगर लॉस होगा तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा इस बात का ध्यान रखेंगे ठीक है तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस लॉस हो जाएगा अगर लॉस है तो अब ये नॉन करेंट लाइबिलटीज़ क्या होती है नॉन करेंट लाइबलिटीज़ जो हेड होती है ये बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगी उसके अंदर लॉन्ग टर्म आरोस और लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स ये दोनों होता है तो ये दोनों आप सम कर देंगे तो लॉन्ग टर्म लाइबिटीज़ आ जाएगी तो इस तरीके से आपके सामने शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिटीज दोनों मिल जाएगा जब ये दोनों मिल जाएगा तो इसको आप सम करेंगे तो आपके आपको पता चल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड और जब कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम हो जाएगा तो इसको फार्मूले में पुट करके आप आर निकाल लेंगे एक बात बता दें आपको कि आर जो है वो परसेंटेज में निकाला जाता है इसलिए इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया गया है अब दूसरा अप्रोच देखते हैं एसेट साइड अप्रोच एसेट साइड अप्रोच क्या कहता है कैपिटल इम्प्लॉयड कैसे निकाला जाएगा इसके लिए हमें फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवास्ज प्लस वर्किंग कैपिटल ये सारी चीज़ें जोड़नी पड़ेगी तो कैपिटल इम्प्लॉयड आ जाएगा एसेट साइड के अप्रोच से नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज वो लोन्स एंड एडवांसेज जो बिजनेस से दूसरों को दिया है क्योंकि एसेट्स को हमें जोड़ना है ना वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल क्या होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल होता है तो फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बढ़ा करके भी लिख सकते हैं और जैसे फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज ये दोनों चीजें जो आपने यहाँ अलग से दिखाई हैं वर्किंग कैपिटल के लिए वो यहाँ वर्किंग कैपिटल की जगह पर लिख सकते हैं तो ये दोनों अप्रोच हमने आपको बता दिया उम्मीद करते हैं आपको आर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको दूसरी वीडियो में बताता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दें अपना बहुत ख्याल रखिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय